हेलो, वेलकम इन के स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और ये है एक्सरसाइज 16.1 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे बताया गया है कि एक डाई रेड कलर की, एक डाई व्हाइट कलर की और एक डाई ब्लू कलर की एक बैग में रखी गई हैं और एकदम से एक डाई को सेलेक्ट किया जाता है और फिर उसे रोल किया जाता है। ठीक है, डाई का कलर और उस पर आया हुआ नंबर जो अपर फेस पे है वो नोट किया जाता है और हमें डिस्क्राइब करना है कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि जो बैग है उसमें तीन ही कलर की डाई रखी गई है, या तो वो रेड होगी या वाइट होगी या ब्लू होगी। ठीक है, तो अगर जो हमने पहली डाई निकाली, मान लीजिए अगर वो रेड थी, फिर उसको रोल किया, तो इनमें से कोई सी भी डाई आए, अगर आप उसको रोल करोगे तो नंबर आएगा या तो 1, 2 या फिर 3 या 4 या 5 या फिर 6। तो मान लीजिए अगर पहले रेड आ गई होगी तो रेड को रोल करने के बाद एक भी आ सकता था, यानी सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, R1। ठीक है, हो सकता है एक ना आया हो, दो आ गया हो, तो सैंपल स्पेस में R2। इसी तरह से अगर 3 आएगा R3, 4 आएगा तो हम लिखेंगे R4, 5 आएगा तो R5, 6 आएगा तो R6। हो सकता है पहली बार जो हमने डाई निकाली वो रेड ना रही हो, वाइट रही हो। ठीक है, तो वाइट को उछालने पे भी यही 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, यानी अगर वाइट आया होगा तो वाइट 1, वाइट पे 2, वाइट वाली डाई को उछालने के बाद 3, ऐसे ही 4, 5 एंड 6 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से अगर ब्लू आई होगी तो ब्लू पे भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 5 या फिर 6 आ सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस ये रहा जो मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये हिस्सा आपको समझाने के लिए था सिर्फ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसका। अब देखिए, जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हमें बताया गया है कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें यह रिकॉर्ड किया जाता है कि बॉय एंड गर्ल की कॉम्पोजिशन क्या है फैमिलीज के अंदर, और ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ उन्हीं फैमिलीज पे किया जाता है जिनके पास सिर्फ दो ही चिल्ड्रन है। पहले पार्ट में बताना है सैंपल स्पेस क्या होगा। अगर हम इस बात को जानने में इंटरेस्टेड हैं कि पहले बॉय पैदा हुआ या फिर गर्ल, मतलब हम उनके बर्थ के ऑर्डर में इंटरेस्टेड हैं, तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसका सैंपल स्पेस होगा, हो सकता है कि पहला चाइल्ड बॉय रहा हो, दूसरा भी बॉय हो, या फिर पहले बॉय और फिर गर्ल, या फिर पहला गर्ल और फिर बॉय, या फिर दोनों ही गर्ल पैदा हुए हो फैमिली में। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि सैंपल स्पेस क्या होगा अगर हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है फैमिली में। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर उन फैमिली में जिनमें दोनों ही बॉयज हैं, गर्ल्स का नंबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में हम क्या लिखेंगे, या तो 0 गर्ल लगी होंगी, क्योंकि हमें नंबर ऑफ गर्ल्स लिखना है। ठीक है ना, कितने नंबर हैं गर्ल्स के। तो अगर इस तरह की फैमिली रही होंगी तो देखिए यहाँ पर बॉय गर्ल, मतलब एक ही गर्ल है, और यहाँ भी गर्ल बॉय एक ही गर्ल है, तो ऐसी फैमिली मिल सकती है जिसमें गर्ल्स का नंबर एक रहा हो, यानी एक गर्ल रही हो बाकी दूसरा बॉय, या फिर हो सकता है कि दोनों ही गर्ल रही हो, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो या तो फैमिली में 0 गर्ल होंगी, या एक गर्ल होगा होगी, या फिर 2 गर्ल्स होंगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम नंबर में इंटरेस्टेड हैं तो हो सकता है कि हमें ऐसी फैमिली मिले जिसमें एक भी लड़की नहीं है, यानी 0, या फिर एक लड़की वाली फैमिली मिले, या फिर 2 लड़कियों वाली फैमिली मिले। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स में एक रेड बॉल रखी हुई है और 3 व्हाइट बॉल्स रखी हुई हैं, और जो तीनों व्हाइट हैं वो आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब है कि ये तीनों बिल्कुल एक जैसी हैं, इसीलिए हम इनको W1, W2 और W3 नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के। हमें बताया गया है कि 2 बॉल्स निकाली जाती हैं रेंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, एक के बाद एक निकाली जाती है और रिप्लेस नहीं किया जाता। ठीक है, यानी जो एक निकाली गई है उसको वापस रखने से पहले ही दूसरी भी निकाल ली जाती है। तो हमें बताना है कि सैंपल स्पेस क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपने रेड बॉल निकाल ली, ठीक है, तो अब रेड तो बची नहीं, अगर आपने रेड पहली निकाल ली तो, क्योंकि रिप्लेस नहीं किया गया है तो अभी वो बाहर ही होगी। तो आपके पास क्या बचेगा, ये 3 व्हाइट बॉल्स। आप इन तीनों में से कोई सी भी निकालो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है, तो हो सकता है पहले आप रेड निकालोगे तो आपके पास क्या बचता है, सिर्फ व्हाइट बॉल निकाल सकते हो। या फिर अगर हम पहले इन तीनों में से कोई एक व्हाइट निकाल ले, ठीक है, मतलब W, ठीक है, तो फिर 2 व्हाइट बच जाएगी, क्योंकि एक व्हाइट हम निकाल चुके हैं और एक रेड बचेगी। तो 2 व्हाइट और एक रेड में से कोई सी भी निकाल सकते हो। मान लीजिए इस बार रेड निकल गई, ठीक है, या तो ये हो सकता था, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ, इन दोनों केसेस में से कोई सा केस नहीं हुआ, तो फिर क्या हो सकता है,
पहली बॉल जो हमने निकाली वो वाइट थी और जो दूसरी बॉल निकाली वो भी वाइट हो, ठीक है। तो इसके सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है, या तो रेड वाइट, या फिर वाइट रेड, या फिर वाइट एंड वाइट, इनके अलावा और कोई केस इसमें नहीं बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।